सलमान खान की टाइगर 3 दिवाली के मौके पर यानी 12 नवंबर को रिलीज हुई है और पहले ही दिन इसने बम्पर कमाई के साथ ओपनिंग की। यह सलमान के कैरियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है। अब तक भारत सलमान के कैरियर की हाईएस्ट ओपनर थी, लेकिन अब इसकी जगह टाइगर 3 ने ले ली है। एक दिलचस्प की बात ये भी है कि टाइगर 3 के एडवांस बुकिंग से पहले दिन 22.97 करोड़ की कमाई हुई थी, जबकि रिलीज डेट वाले दिन 21.53 करोड़ की स्पॉट बुकिंग भी हुई है। हालांकि दिवाली वाले दिन रिलीज होने के कारण फिल्म को नुकसान भी हुआ है। दरअसल ओपनिंग डे की कमाई के मामले में टाइगर 3 शाहरुख की पठान और जवान को पछाड़ नहीं पाए। वहीं बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव में बॉलीवुड स्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 के शो के दौरान एक मूवी थिएटर के अंदर पटाखे फोड़ने का मामला सामने आया है। पटाखे फोड़ने के बाद सिनेमा हॉल में अफरा तफरी मच गई है। सलमान खान के प्रशंसकों द्वारा पटाखे फोड़ते हुए एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो के बाहर आने के बाद मालेगांव पुलिस के महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 112 और 117 के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अभिनेता सलमान खान ने सिनेमा हॉल के अंदर पटाखे फोड़े जाने की घटना का संज्ञान लेते हुए एक्स पर प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा, मैंने टाइगर 3 के दौरान थिएटर के अंदर आतिशबाजी के बारे में सुना, यह खतरनाक है। आइए खुद को और दूसरे को जोखिम में डाले बिना फिल्म का आनंद ले, सुरक्षित रहें।